I, Sajjad Ghani Lok, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of Allah, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and that I will uphold the sovereignty and the integrity of India. Sign to sign. देखिए 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन है और इन पाँच साल में असेंबली नहीं थी। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन ये पार्लियामेंट होगा। कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, एंड इवन द पीपल ऑफ इंडिया डिजर्व दैट दे नो एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग। क्योंकि पिछले दस पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है विच विद ऑल ह्यूमिलिटी इफ पीपल गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी आई प्रॉमिस that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. जो सहलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे। सिर्फ सहलाब की वजह से हमने बोला दैट वी शुड नॉट डू अ लॉट ऑफ पार्लियामेंट शो। बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। I was not in a palace. I was in a dungeon. I was in a cell. मैं कैदे तन्हाई में रहा हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीरियों ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलू में बैठ कर ऑर्डर निकाल रहे थे कि PSA किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा है। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई PSA साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं लगी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर नहीं हुआ। क्या वो माँ के पेट से नहीं जन्मे थे वो कश्मीरी जिनके जो उनके टाइम में मरे हैं? आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7,000 सिविलियंस हैव डाइड, वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर आज बोलना कि भाई मैं अब कश्मीरियों का एक, अब हम एक ही पार्टी हैं जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी, भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरी। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे हैं, पोटा आपने किया है। ये जो ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर, इट नीडेड एन SO टू चेंज। हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया जहाँ अगर 500 के खानदान में, एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एडवर्स, और अब तो हर एक चीज उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल दे वो बोलते हमने नहीं बनाया, फिर क्या मैंने बनाया? OGW लिस्ट 97 जिन पर जुल्म हुआ एक रियलिटी है। मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1,000 रुपया दूँ और बोलूँ कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1,000 रुपये में बोलूँ कि भाई दो कनाल ज़मीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है, ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप। उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे, मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं, इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस ले लाएगी, चाहे उनका कोई MP आए ना आए, मैं कल जो है आई विल विदड्रॉ माई फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370-35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। ये तो धोखा है और क्या है? 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they have the power to stop.
Does it mean that they did not stop when they wanted to stop it? Let them up. प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं है, वो तो मेरी गलती नहीं है। देखिए मैं अपना बता दूं, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मींस अ नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं। एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर लुकिंग एट कश्मीर थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म, दैट दीज आर द टू थिंग्स जहां हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब वी आर मेड फॉर दिस, ओके। फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है। क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है? हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए है, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है। अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। वी वॉन्ट टू बी इक्वल इंडियंस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। वाई शुड वी बी एन इंफीरियर? 1982 में बेग साहब ने लड़ा था SPC, तब भी प्रॉक्सी थे। 1987 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। हम इसको बिल्कुल, वी डू, हाउ कैन अ मुस्लिम एक्सेप्ट सच अ स्टेट? वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ स्टेट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, वी कैन नॉट। ना हम वो करते हैं एक्सेप्ट, ना हम फारूक साहब का जो वो शिर्क है वो एक्सेप्ट करते हैं। टू बी वेरी, वी रिजेक्ट बोथ। वो इलेक्शन कमीशन का है, अगर देखिए कोई मतलब कम्युनिटी चाहती है कि भाई डेफर हो, तो उसमें क्या सर, आप कश्मीरी खेमे याद रखना।